हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल विदिका किचन। देखिए फ्रेंड्स, आज आगे और एक नया रेसिपी लेके, तो आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप लोग को मेरा रेसिपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर शाही पनीर बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या क्या लिए, यहाँ पर 300 ग्राम करीब पनीर ले लिए, यहाँ पर लिए जीरा, लिए सौंफ, लिए धनिया, लिए कुछ गरम मसाला, लिए थोड़ा सा गलकी, लिए एक तो सूखा मिर्चा, लिए इसको मैंने सूखा भूज के शाही पनीर में यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक टुकड़ा अदरक लिए, एक चम्मच जीरा लिए, दो ठो टमाटर लिए जिसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ पर लिए आधा कटोरी दही लिए, और देखिए एक चम्मच मैंने एक चम्मच से थोड़ा कम में मिर्चा पाउडर लिए जिसको मैंने अभी दही में दे के इस दही को फेंट लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर दही गाढ़ा था बोल के यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी यूज़ किए। पनीर को देखिए छोटे छोटे पीसेस से काट लेती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले जो सूखा मसाला लिए थे उसको मैंने फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पर लिए थोड़ा सा काजू ले लिए, इसको भी थोड़ा सा सूखा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसको पीस के मसाला में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, कढ़ाई में हम थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल दिए, पहले जो पनीर है पनीर को पहले फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करती हूँ। अभी इसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फिर देखिए पनीर फ्राई हो गया है, अभी इसको मैंने निकाल लेती हूँ। फिर देखिए, अभी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, एक चम्मच घी इसमें डाल देती हूँ, इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, और जो गरम मसाला रखे थे उसको भी इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर देखिए अदरक पेस्ट, एक तो मिर्चा और एक चम्मच जीरा पेस्ट, उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें देखिए दो दो टमाटो जो पीस के रखे थे उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। टमाटर का साथ थोड़ा सा पोस्त भी मैंने यूज किए आधा चम्मच करीब। तो फ्रेंड्स देखिए, मसाला फ्राई हो गया है, तेल छोड़ दिया है, अभी जो काजू पेस्ट रखे थे उसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी में ऐड करती हूँ। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मसाला फ्राई हो गया है अच्छा से। तो यहाँ पर देखिए, जो आधा कटोरी दही लिए थे और एक चम्मच करीब मिर्चा पाउडर लिए थे उसको अच्छे से मैंने फेंट लिए, अभी इसको इसमें मैं मिक्स करती हूँ। इसमें थोड़ा सा उबाला हुआ पानी ऐड करेंगे। दही में मैंने मिर्चा पाउडर के साथ आधा चम्मच काश्मीरी मिर्च भी ऐड किए। अभी इसको 5 मिनट तक ऐसे हल्का आंच में छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, 5 मिनट हो गया है, मसाला भी अच्छा से फ्राई हो गया है, अभी जो पनीर रखे थे फ्राई करके उसको मैंने इसमें डाल देंगे। देखिए यहाँ पर पनीर मैंने फ्राई करके रखे थे उसको मैंने इसमें डाल देंगे।
देखिए अभी इसको 2 मिनट के लिए ऐसे हल्का आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 2 मिनट हो गया है, देखिए तेल छोड़ दिया है मसाला में। तो अभी जो यहाँ पर सूखा मसाला मैं फ्राई करके रखे थे उसमें से आधा सूखा मसाला मैंने इसमें ऐड कर देती हूँ। शाही पनीर बन के रेडी हो गया है, एकदम बिना प्याज लहसुन का बनाए हैं। तो अगर आप लोग को मेरा रेसिपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विधिका किचन। फिर आएंगे और एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए। बाय बाय।